भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहा पहला टेस्ट मैच, इसमें यशस्वी जायसवाल 80 रन के स्कोर पर दूसरे दिन आउट हो गए हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने कल यानी कि पहले दिन टेस्ट मैच में 76 रन ताबड़तोड़ अंदाज में बनाए थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने की प्रेडिक्शन आज सुबह ही इंग्लैंड के एक पूर्व क्रिकेटर ने कर दी थी, और यशस्वी जायसवाल आज कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे वो हम आपको बताते हैं। यशस्वी जायसवाल ने करीब 6 महीने पहले टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने ताबड़तोड़ 171 रन की पारी खेली थी। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का भारतीय सरजमी पर यह पहला टेस्ट मैच था। इस मौके को यशस्वी जायसवाल नहीं भुना पाए और 80 रन के स्कोर पर मैच के दूसरे दिन के पहले ओवर में ही आउट हो गए। अगर आज यशस्वी जायसवाल अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते तो भारतीय सरजमी पर वो पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाते और ये कीर्तिमान उनके नाम स्थापित हो जाता, लेकिन वो इस कीर्तिमान को स्थापित करने में 20 रन से चूक गए। और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के पीछे के कारण क्या है वो हम आपको अब बताते हैं। दरअसल यशस्वी जायसवाल ने कल इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की थी, लेकिन जो रूट से बॉलिंग नहीं कराई गई थी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने ट्वीट करके ये इंग्लैंड के कप्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आज के मैच का पहला ओवर जो रूट से ही कराया जाए, और वही हुआ। इंग्लैंड के कप्तान ने जो रूट को पहला ओवर दिया। यशस्वी जायसवाल ने जो रूट के पहले ओवर में तो चौका लगाया, लेकिन दूसरी बार चौका मारने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। इस विकेट के बाद अब केविन पीटरसन का वो ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद भारतीय टीम 222 रन पर 3 विकेट होकर अभी खेल रही है और 246 रन इंग्लैंड की टीम बना चुकी थी। भारत के लिए ये टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की जगह यही टेस्ट सीरीज अब डिसाइड करने वाली है। अगर यशस्वी जायसवाल आज सेंचुरी लगाते तो उनके नाम कई और कीर्तिमान स्थापित हो सकते थे। ऐसी विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।